हमारे मामू है तो उनके पास मेरा ट्रीटमेंट का ना दांत का बेसिस का, चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनका क्लिनिक का व्यू दिखाते हैं और बताते हैं वो क्या क्या काम करते हैं क्लिनिक के अंदर। पहले ये एंट्रेंस है आपका, यहाँ रिसेप्शन है, यहाँ सारा काम होता है, यहीं से आपको पेशेंट अटेंड किया जाता है और ये क्लिनिक के बारे में आपको दिखाते हैं। तो ये मामू का क्लिनिक है डॉक्टर नासाद आलम जी का, और आपको अपने मामू से भी बात है। चलिए तो गाइस हम लोग अपने क्लिनिक पे पहुंच चुके हैं और यहीं पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी 1.5 साल से और आज भी मेरा कुछ प्रोसेस होना बाकी है, बाकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो डॉक्टर है डॉक्टर नौशाद आलम जो दांत के बहुत स्पेशलिस्ट है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, तो उनसे चलिए मिलते हैं और बताते हैं उनके बारे में। सर कैसा बहुत दिन बाद मिले ला फिर से हुआ, और नौशाद कैसे आप कहाँ है क्लिनिक कैसे आप जगह ये बता दिए हमारे दोस्तों। ये हमारा क्लिनिक जो है बनारस बैंक चौक पे है, स्मार्ट पॉइंट के सामने चौक पक्की सिलाई वाला एरिया कहलाता है, चंदवारा में है। कुछ ब्रेसेज स्पेशलिस्ट के नाम से ये हमारे क्लिनिक है, क्योंकि मेरी पीजी जो है ऑर्थोडॉन्टिस्ट डिपार्टमेंट से हुआ है, मैंने 3 एमबी से किया था इधर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। टॉप क्लास डेंटिस्ट है मुजफ्फरपुर के। उसके बाद मैंने MBS किया कैरियर पोस्ट ग्रेजुएट लखनऊ से MBS, उसके बाद मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ। वर्क सारे होते हैं हमारे क्लिनिक पे, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन है वो ब्रेसेज का होता है। कितना साल का एक्सपीरियंस है? अभी तो मैं यहाँ 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें करीब 100 केसेस चल रहे हैं मेरे मुजफ्फरपुर में, और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ भी मेरा कंसल्टेशन होता है हर फ्राइडे और संडे को। क्या क्या ठीक करते हैं मतलब दांत में, क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपके पास आना चाहिए? दांत जैसे किसी के बाहर हो, दांत में गैप हो, दांत में अच्छे नहीं दिख रहे हैं, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, कहीं पे वो मुस्कुराते हैं तो उनको शर्म आती है, ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है किसी से फेस करने का, हंसने का मन करता है लेकिन नहीं बोलते हैं। तो आप आइए 6 महीने के अंदर में जो है, जैसे आपका 8 महीने के अंदर में आ जाने दीजिए। जी जी जी, तो ऐसे ही होगा, मैं जैसे नरकटिया गंज जाता हूँ डॉक्टर सरताज आलम के पास, वहाँ भी करीब 100 केसेस चल रहे हैं। दरभंगा में अलन पट्टी में एमएन सेंटर पे भी मैं ही केसेस लगाता हूँ, वहाँ भी करीब 50 केसेस चल रहे हैं। हर जगह पूरे मुजफ्फरपुर में हर एक जगह आप कहीं से भी आ सकते हैं यहाँ पे। जब हार्ट अटैक केसेस आता है तो आपको बुलाया जाता है ब्रेसेस से दांतों को सीधा करना होता है। और प्लस ब्रेसेस के अलावा भी जितना भी प्रॉब्लम होता है वो हम अपने क्लिनिक पे करते हैं। अच्छा, वो आप अपने क्लिनिक पे, जैसे दांत को निकालना, दांत में आरसीटी करना, दांत नया दांत लगाना, कैप लगाना, सारा काम होता है, ईच एंड एवरी वन वर्क वो यहाँ होता है। और ब्रेसेस के लिए और जैसे बाकी काम है तो वो भी तो डॉक्टर है तो वो सब काम कर लेते हैं, लेकिन वो पीजी नहीं, अच्छा ऑर्थोडॉन्टिस्ट नहीं है, तो उनके ब्रेसेस के काम हम करते हैं। अच्छा, तो पीजी आपका है ना? पीजी वो है, तो हम ऑर्थोडॉन्टिस्ट से। अच्छा अच्छा, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस आप लोगों भी कोई भी दांत का ट्रीटमेंट कराना हो तो डॉक्टर नौशाद आलम मुजफ्फरपुर के आज आपके केस कंप्लीट करेंगे। फिर जी हमारा पास बाकी काम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी डिस्क्रिप्शन में हम एड्रेस डाल देंगे और नंबर भी डाल देंगे, आपको भी कोई भी इश्यू हो तो आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं इनसे। आप व्हाट्सएप में भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि क्लिनिक खुला है कि नहीं खुला। ऐसे कोई क्लिनिक का टाइमिंग आप बता दीजिए सर। क्लिनिक हमारी सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खुलती है। और कौन सा दिन क्लोज रहता है? क्लोज किसी दिन नहीं रहता है, मतलब पेशेंट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अगर हम संडे में नहीं भी रहते हैं तो यहाँ पे 2 डॉक्टर और भी बैठते हैं, जिनके डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इश्यू नहीं होगा, कोई भी पेशेंट वापस नहीं जाएगा, वो स्माइल लेकर ही जाएगा, खुश होकर ही जाएगा। देख लीजिए बहुत अच्छा व्यवहार भी इनका है, बहुत साफ दिल के है। और बाकी कोई दिक्कत हो, तो आप जरूर आए हमारे पास, इनके पास डॉक्टर नौशाद आलम और मेरे मामू भी है, तो इस चीज का बेनिफिट इनको मिलना ही चाहिए। बाकी आप फिर
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप बेल आइकन दबाकर नए नए अपडेट्स लेते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।